वेल दोस्तों, टीवी के सीरियल्स में हमें एक से बढ़कर एक रिश्ते देखने को मिलते हैं जिनके बीच प्यार भरा अटूट रिश्ता और नोकझोंक सभी कुछ देखने को मिलता है। और इन्हीं में से एक प्यारा सा रिश्ता है भाई बहन का, जिसे हमारे टीवी के सितारे अब तक कई सीरियल्स में पेश करके अपने भाई बहन वाले अटूट बंधन से सभी का दिल भी जीत चुके हैं। इसलिए तो आज भाई बहनों की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की सबसे टॉप जोड़ी इसमें से एक मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि टीवी सीरियल्स में एक अच्छे भाई बहन का किरदार निभाने वाले उन सभी सितारों को अपने भाई बहनों से प्यार हुआ और उन्होंने उन्हें अपना जीवन साथी ही बना लिया। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन सितारों से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने कभी भाई बहन का किरदार टीवी पर निभाया था और आज वो एक दूसरे के पार्टनर्स बन गए हैं। तो फिर आइए एक एक कर जल्दी से जान लेते हैं उन सभी स्टार्स के बारे में। नंबर एक, वंदना लालवानी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टीवी की खूबसूरत अदाकारा वंदना लालवानी का। शपथ सीरियल में अमन वर्मा की बहन का किरदार निभाया था, लेकिन किसे पता था कि ऑन स्क्रीन भाई बहन का किरदार निभाने वाले ये दोनों सितारे एक दूसरे के प्यार में ही गिरफ्तार हो जाएंगे। और ये दोनों इतने ज्यादा प्यार में डूब गए कि दोनों ने जल्द ही शादी रचा ली और सभी को हैरान कर दिया। नंबर दो, किरण कर्माकर। अपने जमाने के पॉपुलर शो कहानी घर घर की में किरण कर्माकर टीवी के दमदार एक्ट्रेस रिंकू धवन की बहन बनी थी, लेकिन इन दोनों को क्या मालूम था कि सीरियल में एक दूसरे के भाई बहन का किरदार निभाते निभाते दोनों एक दूसरे के प्यार में ही पड़ जाएंगे। तभी तो काफी समय तक डेट करने के बाद दोनों ने एक दूसरे के संग शादी रचा ली थी, मगर अब ये दोनों कपल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। नंबर तीन, काचे सिंह। अरे भाई, जब बात हो रही हो अपने ही ऑन स्क्रीन भाई बहन से प्यार करने वाले सितारों के बारे में, तो अब भला हम इस लिस्ट में ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में गायत्री का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री काचे सिंह को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने ही ऑन स्क्रीन कजन ब्रदर नक्श यानी के रोहन मेहरा को दिल दे दिया था, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे और 4 सालों तक दोनों रिलेशन में भी रहे थे और लिव इन में भी। मगर अभी फिलहाल दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसके चलते ये दोनों अभी दूसरे से अलग हैं। नंबर चार, दिगांगना सूर्यवंशी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री दिगांगना सूर्यवंशी का, जिन्होंने शो एक वीर की अरदास वीरा में शिविर नारंग की बहन का किरदार निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सीरियल में काम करने के दौरान दिगांगना सूर्यवंशी और शिविर नारंग एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, जिन्हें एक दूसरे के साथ न सिर्फ खूबसूरत रिश्ता साझा करते हुए देखा गया, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के बेहद ही क्लोज नजर आते थे। इसीलिए तो आज भी ये भाई बहन की जोड़ी अपने लव अफेयर्स के लिए काफी ज्यादा चर्चाओं का हिस्सा बन जाती है। नंबर पांच, अदिति भाटिया। अगर आप सभी ने ये है मोहब्बतें सीरियल देखा होगा दोस्तों, तो आप सभी अभिनेत्री अदिति भाटिया से तो भली भांति वाकिफ ही होंगे, जिन्होंने इस शो में रूही धवन का किरदार अदा किया था। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इसी तरह सीरियल में काम करने के दौरान ही अभिनेत्री अदिति भाटिया को अपने ऑन स्क्रीन भाई आदित्य यानी कि अभिषेक वर्मा से प्यार हो गया था, जिसके चलते जब इन दोनों के लव अफेयर्स की खबरें मीडिया में फैली तो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। इसलिए तो आज भी दोनों का प्यार लाइमलाइट में खूब छाया रहता है। नंबर छह, दीपिका कक्कड़। ससुराल सिमर का सीरियल में सिमर का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ आज टीवी के दमदार अभिनेता शोएब इब्राहिम की धर्मपत्नी बन चुकी हैं, जिन्होंने साल 2018 में इनके साथ शादी रचाई और आज उन्हीं के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठीक शादी से 1 साल पहले दीपिका की लाइफ में वो आलम था कि जब इन्हें अपने ही पति की ऑन स्क्रीन बहन बनना पड़ा था। जी हाँ, बता दें कि टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक कोई लौट के आया है सीरियल में दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम एक दूसरे के भाई बहन का किरदार निभाते हुए देखे गए थे, जहां गेस्ट अपीयरेंस में ही दोनों भाई बहनों को इस कदर प्यार हुआ कि अगले ही साल दोनों ने शादी भी रचा ली। तो दोस्तों, आप इन सभी जोड़ियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपकी राय इन जोड़ियों को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय। साथ ही साथ बॉलीवुड टॉलीवुड और साथ ही सीरियल्स की अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।